श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। श्रावस्ती जिले में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। गांव में घुसे आतंकखोर तेंदुए ने एक 7 वर्षीय बच्ची को अपना शिकार बना लिया। मामला श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना इलाके के बालू गांव का है, जहां बीती देर शाम एक तेंदुआ गांव में घुसाया। इस दौरान तेंदुए ने 7 वर्षीय मासूम बच्ची पर झपट्टा मारकर उठा ले गया। बालिका के शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े तो तेंदुआ बालिका को लहू लुहान छोड़कर भाग निकला। घायल बालिका को सिरसिया सामुदायिक केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये शाम को घटना हुई बालू गांव में, जिसमें बच्ची की मतलब तेंदुए ने बच्ची को पकड़ लिया। क्या है मामला? कल वही शाम करीब 7 बजे मेरी बच्ची घर से बाहर निकली। जो बाउंड्री का गेट था उसी को बंद करने पिताजी खड़े थे। वहीं 5 मीटर की ही दूरी पर तेंदुए ने वहां से छलांग लगा करके लीक के इस पार आकर के बच्ची का गला दबोच लिया। बच्ची ने बहुत हल्का सा आवाज़ किया, पिताजी दौड़े। वही पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बालू गांव में कल जो है शाम को एक बच्ची पर तेंदुए ने हमला किया, जिसकी मौत हो गई। इसके बारे में क्या कहना है? कल शाम को सूचना मिली थी तो तुरंत ही यहाँ पे स्टाफ आया और इंक्वायरी किया। उसके बाद यहाँ पे एक तेंदुए ने हमला किया था बच्ची पे, उसको लेके हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। तो अभी हमारे SDO साहब रात से मौजूद हैं, हम लोग पूरा स्टाफ है और जो रिपोर्ट होगी ऊपर भेज के, और आपदा राहत को जो राज्य सरकार ने वो किया है उसी के हिसाब से तुरंत कंपनसेशन देने का इसमें रहेगा। सर, परिजन का ये आरोप है कि जो है वन विभाग के द्वारा जो है कि मतलब सुबह तक करीब 9 बजे तक हमारी जो बात हुई है ये कोई कर्मचारी यहाँ आया नहीं, ये आरोप। और लगातार यहाँ तेंदुए का जो है कहर जारी है कई 3 सालों से, करीब 8 बच्चों की जो है इसमें जाने जा चुकी हैं। इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, स्टाफ तो रात में ही सूचना मिल गई थी और SDO साहब खुद थे और हमारे स्टाफ भी थे हॉस्पिटल में या यहाँ पे भी, और जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन एक करने की बात है तो उसके लिए एक प्रस्ताव बना के बात की जाएगी फेंसिंग के लिए और सोलर लाइट के लिए, जिससे कि इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो सके।